ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मौसम के साथ। तो मौसम जो है दिन में काफ़ी गर्म रहता है जब धूप होती है, बाकी सुबह शाम बारिश भी हो जाती है थोड़ा बहुत, और जब बादल छा जाते हैं तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं, कभी तूफान भी चलता है। और इसके अलावा यहाँ पे तड़का लगाया जा रहा है जी, रात को डिनर की तैयारी चल रही है। और पतिदेव लेकर के आए थे मटर पनीर, लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे आज हम खाना बनाने में, लगभग 8 बज रहे थे और हम खाना बना रहे थे। इस टाइम तक कई बार हम खा भी लेते हैं। फिर इन्होंने बोला कि मटर पनीर बनाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, उससे बेटर है कि अभी पनीर की भुजिया बना देते हैं, फिर सुबह बना देंगे मटर पनीर, मतलब पनीर ये थोड़ा ज़्यादा लेकर के आए थे, बच्चों की डिमांड रहती है। तो फिर मैंने बोला था इनको कि सुबह मैं परांठे बना दूँगी पनीर के बच्चों को स्कूल के लिए, और बाकी अभी मटर पनीर बन जाएगा। फिर इन्होंने प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो बस जी तड़का ये बस टमाटर प्याज की छोटी थोड़ी सी ग्रेवी सी बनाई इन्होंने, और बाकी फिर ये जो पनीर का जो पैकेट आता है ना, तो वो एक पैकेट फिर अभी ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके बस इसकी भुजिया सी बन जाएगी। अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है, पर इन्होंने थोड़े से मसाले ऐड कर दिए, तो मसालों के साथ मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन हाँ सिंपल बिना मसाले के अच्छी लगती है। इसके बाद चलिए जी चलते हैं सीधा सुबह। सुबह आज हम लोग जल्दी उठ गए थे, ऐसे हम थोड़ा लेट ही उठते हैं, बच्चे जाते हैं 8:30 बजे, लेकिन अब उनकी स्कूल का टाइम चेंज हो गया, तो 7:30 बजे उन्होंने निकलना था। जैसा कि आपने देख ही लिया कि अभी लगभग 6 बजे के आसपास का टाइम था, सूरज अभी निकला नहीं है। और फिर बच्चे लग गए अपनी अपनी तैयारी करने में, कपड़े प्रेस और ये सब चीज़ें। मैं शानवी को मना कर रही कि भाई प्रेस के साथ नहीं लगना चाहिए, लेकिन कभी कभी लग जाते हैं ये करने। हाँ थोड़ा बहुत अपने कामों को करने की आदत डालनी चाहिए, तभी सीखते हैं बच्चे, तो थोड़ा थोड़ा मैं करने देती हूँ अपनी नज़रों के सामने जब होते हैं, बाकी तो बच्चों से वाला क्या ही कराना। फिर उसके बाद जी मैं पहुँच गई यहाँ पर किचन में, और किचन में फिर बना रही हूँ अभी मटर पनीर, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, उनको फीवर था एक दो दिन हो गए, तो फिर ये मैं ही बना रही थी। एक्चुअली जब मैं बनाती हूँ ना सब्ज़ी, तो चाहे इसे कितनी भी स्वाद क्यों ना हो ना, तो ये एंड में कुछ ना कुछ उसमें नुक्स निकालते हैं कि ये नहीं किया था वो नहीं किया था। तो मेरी आदत है कि मैं ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करती, और इनकी आदत है कि जो भी मसाले किचन में होंगे ना वो सब डालने हैं, और चाहे सब्ज़ी गोभी की बन रही है चाहे मटर पनीर बन रहा है, सेम प्रोसेस के साथ तैयार करते हैं। तो मैं वैसा नहीं करती, मैं देख लेती हूँ भाई गोभी है तो ठीक है सिंपल भी बनेगी तब भी अच्छी बन जाती है, और जैसे पत्ता गोभी होगी, गोभी होगी, कुछ एक ऐसी सब्ज़ी होती है जो बहुत ज़्यादा ना पकाएं तो अच्छी लगती हैं, थोड़ा मतलब चबाने जब चबाते हैं तो अच्छा स्वाद भी आता है और अच्छी लगती हैं, बट इनको वैसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो मतलब थोड़ा सा चेंज है हमारे जो टेस्ट है। फिर तो मतलब थोड़ा सा बनाती बार मैं सोच रही होती हूँ कि भाई अच्छा अब आज कौन सा नुक्स निकालेंगे। अभी एक्चुअली चली गई थी लाइट, तो मैं टमाटर को ग्राइंड नहीं कर पाई, और मैं यहीं पे समझ गई कि आज नुक्स जो निकलेगा वो निकलेगा कि टमाटर के छिलके ये वो सो। तो मैं क्या चलो अभी बना देती हूँ, क्योंकि मैं भी लेट हो रही थी और कुछ मेरे को सूझा नहीं क्योंकि लाइट थी नहीं, तो मैं क्या चलो जैसे भी है अब जो भी बोलना होगा नुक्स निकालना होगा निकालते रहें, थोड़ा बुरा तो लगता है ना फिर, पर चलो कोई बात नहीं। फिर जी ये पनीर जो भी था यहाँ पे, मिट्टू को कच्चा पनीर खाना बहुत अच्छा लगता है, जब भी पैकेट खोलते हैं तो ये एक स्लाइस मुझसे मांगता है, तो मैंने उसको दिया। और बाकी फिर यहाँ पे ये देखिए जी तड़का तैयार था। मैं मतलब जब भी सब्ज़ी बनाने लगती हूँ ना मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती, एक तरफ मैंने गैस ऑन की, प्याज डाल दिए भुनने के लिए, और दूसरी तरफ मटर छिलने लगी फटाफट से, उसी दौरान फिर जो जो गैस का फ्लेम रखा होता है मैंने लो, और मसाले वगैरह सब डालती रहती हूँ, तो एक तो जल्दी भी हो जाता है। मैं ये क्या कर रही थी, मैं ना थोड़े थोड़े छिलके निकालने की कोशिश कर रही थी, कि जैसे टमाटर तो क्रश हो गए थे ना जैसे ऊपर से डाले थे, भाप से वो गल जाते हैं एकदम, ज़रूरत नहीं होती वैसे हर बार ही वो मिक्सर जार में, बट ये होता है कि जैसे छिलका आ जाता है ना तो वो मिक्सर जार में एकदम से ग्राइंड हो जाएगा, एकदम प्योरी बन जाएगी, तो वो चीज़ फिर दिखेगी ही नहीं। बट चलिए कभी कभी हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए,
फिर जी डाल दिए मैंने इसमें पनीर, और क्योंकि बच्चों को रोटी के साथ ही देने थे तो मैंने पानी वानी कुछ नहीं ऐड किया। इसी तरह से ड्राई रखा, गैस का फ्लेम रख दिया लो, उसको चढ़ा दिया एक साइड, और दूसरी तरफ लग गई फिर मैं रोटी बनाने के काम में। फटाफट से मैंने आटा पहले से गूंद के रखा होता है मैंने जब सब्जी तड़का लगाना शुरू किया था, फटाफट से रोटी बनाई, बच्चों को टिफ़िन वगैरह सब तैयार करके उनकी जो भी मदद की तैयार होने में। और फिर अभी पतिदेव चले गए हैं बच्चों को छोड़ने, और जब तक वो लौट के आते हैं तब तक फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई और जो भी रूटीन रहता है मेरा। वो क्या करते हैं कि वॉक पे निकल जाते हैं वहीं से, पर आज उनकी तबीयत ख़राब थी तो पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पर अभी तक आए नहीं थे तो मैं अपने काम में लगी जो भी था। फिर जब वो आते हैं तो फिर हम दोनों बैठ जाते हैं, मतलब पहले वो बोलते हैं कि पहले चाय बना दें, तो फिर हम बैठ के आराम से चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर मेरा अगला काम शुरू होता है। बट अभी थे नहीं तो मैं फटाफट लग गई अपने काम करने में, कि फिर आलस हो जाता है, जैसे अब वो आएंगे फिर मैं चाय बनाऊंगी, गप्पे मारने बैठ जाएंगे तो थोड़ी सी इधर उधर की गप शप चालू हो जाती है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए फिर मैं क्या फटाफट से अपना काम निकालती हूँ। फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं, और फिर इसी आलस के चक्कर में, गप्पों के चक्कर में हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं, तो मेरे जॉब के बहुत सारे चीज़ें पेंडिंग चली हुई हैं तो अभी भी वो कंप्लीट हो नहीं पाई हैं, तो अभी वो भी करनी है मुझे। फिर जी यहाँ पहुँच गई मैं बच्चों के रूम में, और तो अभी देख सकते हो कि सुबह सुबह मॉर्निंग में धूप लग गई है और यहाँ पे चली हुई है साफ सफाई। शानू मिट्टू चले गए हैं क्योंकि स्कूल अब स्टार्ट होगा 8 बजे से, तो वो हमें छोड़ के आए, उनको 7:30 हो गए हैं। पहले पहले स्कूल 9 बजे लगता था, तो इन्होंने मतलब दिन में गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई है ना, तो स्कूल जल्दी स्टार्ट कर दिया है और छुट्टी थोड़ी जल्दी हो जाएगी तो ठीक रहेगा। मुझे कैसे यार, पहले मतलब वो 2 बजे आते, 2 बजे जल्दी बच्चों को छोड़ दिया, हाँ आके आपने सोने ही है, फिर आके कौन सोता है यार, रेस्ट नहीं करना आज जब नींद टूट गई एक बार तो टूट गई टूट गई। ये देखो अच्छी खासी धूप लगी हुई है, अब आ गया है गर्मी वाला मौसम। क्या आ गया बंदना, ये देख सकते हो आपके सोने का मौसम। लाइटा बंद कर यार, लाइट तो बंद कर दो यार, ये देख सकते हो। साफ़ सफाई हो गई, उसके बाद मैं क्या फटाफट से तैयार होकर के अपनी दूसरे चैनल की वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो उसके लिए ये थोड़े से राइस बचे हुए थे रात के, तो इन्हीं का यूज़ किया है मैंने, और बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। आज मैंने वंदना भादो चैनल पे शेयर की है, ट्रस्ट में आप एक बार ट्राई करना, आप बोलोगे कि क्या गजब की रेमेडी है। कभी भी शादी पार्टी फंक्शन कहीं भी जाना होगा ना, बस 5 मिनट पहले लगाना। दिन का मौसम देख सकते हो, काफ़ी तेज़ से धूप लगी हुई है और हवा तो चली हुई है ठंडी ठंडी। और ये देखो सामने से मेरे आ रहे हैं बच्चे, आज जल्दी आ गए हैं क्योंकि इनका स्कूल जल्दी लग गया था। मिट्टू सानू जल्दी आ गए कि मार्केट में है, ठीक है तो मार्केट में रहना। यहाँ पे बैठ के हो रही है मेरी एडिटिंग, और जनाब गए हुए थे मार्केट, देखते हैं भला आज क्या लेकर के आए हैं, ये कुछ खास चीज़ लेकर के आए हैं ऐसा लग रहा है, तो आज मैं आपको भी दिखाती हूँ कि इनकी खास चीज़ें होती क्या हैं। तो बताएंगे जनाब आप क्या लेकर आए? मैं तो देख के पहचान गई थी ना। वाह जी वाह, क्या बात है, आज ब्लू मतलब ब्लू कुर्ता पहन के ब्लू 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 लेने गए थे। ब्लू जूस एक्चुअली बहुत दिन हो गए थे ना। अरे क्या बात है, बहुत दिन मतलब रात का? को ही तो सामने तो बॉटल पड़ी हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं है, देखो वो आधी अधूरी थी होगी शायद, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी हाँ जी, जिंदगी है, हाँ इंजॉय करना चाहिए। तो जिंदगी को ये खत्म करती है ये चीजें? खत्म ही करती है ये, खत्म ही करती हैं। और क्या काम करती होते हैं, चोरी चकारी बदमाशी उसको हम गलत काम बोलते हैं, वो तो चलो गलत होते ही होते होता है, अच्छे काम करना चाहिए जिंदगी में। तो इससे भी आपकी मतलब अंदर बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। इस आपने देखा है एक चीज, बोतलों पे साफ साफ लिखा होता है सेहत के लिए हानिकारक है, फिर
हाँ यार, ये मैं जरा बेच भी मैं रहे होते हैं और लिखा भी होता है भाई, अगर लिखे रेवेन्यू ना ये तो डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं, पर क्या नाम, एक्साइज जो डिपार्टमेंट होता है ना, हाँ उनके साथ भी तो आपकी बातचीत होती रहती है ना, सेल टैक्स वगैरह, उनसे बात करनी पड़ेगी यार। सर अब बोतलों को वो हर चीज वो मैनेज देखो, करते बच्चों हो, को छुट्टी हो गई। लेकिन उसके साथ अब इसमें ऐसे भी लिखते हो कि पीने के लिए हानिकारक है, वो स्मोकिंग में भी लिखा होता है, जी 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 तो हर चीज पे तब भी नहीं मानते ना भाई, इंजॉय होता है, इंजॉय होता है अपने शरीर को खत्म करना, बीमारियों से पूरा भर देना, फिर खुद तो मतलब बंदा बीमार होता ही होता है, पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है उस चक्कर में, तेरे बोलने का बच्चे, मतलब क्या है, बीवी, माँ बाप सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके माँ बाप ही नहीं हो वो कहाँ से डिस्टर्ब होगा सर तो बाल मेरे तो माँ बच्चे बाप ही नहीं है, फिर कहाँ से बेचारे डिस्टर्ब होंगे, तो भाई बाल मैं बच्चे तो वैसे बीवी भी, तो है, मैं तो वैसे भी अनाथ हूँ, अनाथ क्यों अब हो, देखते इतनी कौन बड़ी गोद लेता है बीवी है, मुझे, इतने बड़े फिर मैं तो बड़े सोच बड़े रहा हूँ ना, बच्चे हैं तो मैं तो सोच रहा हूँ कोई मुझे गोद ही ले लो भाई कौन देख मुझे लो, गोद लेगा। ठीक है आज यही सही, अगर कोई हो ना जो मेरे पतिदेव को गोद लेना चाहते हैं वो पक्का वो मुझे पक्का मैसेज कमेंट करना, सा या तो कमेंट करना, या तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट ही मैसेज कर देना इनको ना, ये देखते हैं डेली ना, इंस्टाग्राम भी देखते हैं, फिर यूट्यूब पे भी मैसेजेस देखते रहते हैं, ये मेरे को बता रहे थे कुछ ना, वो भी मैंने डिस्कस करना है आपके साथ ना, तो ऐसा ऐसा है एक्चुअली। देखो सॉरी आप लोग बोलते रहते हो कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती, उसका ये ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ती हूँ जब मेरे को टाइम लगता है, मैं पक्का पढ़ती भी हूँ और हार्ट भी देती हूँ, आप देखना पीछे के मेरे कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, अगर किसी में भी ऐसे आपको हार्ट ना मिले तो, बट ये है कि जैसे एक दो दिन बिजी चल रही होती हूँ ना, आप तो समझते हो घर है, परिवार, बच्चे के साथ साथ जॉब भी है, तो फिर वहाँ पे अगर मैं बिजी चल रही होती हूँ ना तो एक दो दिन स्किप हो जाता है, ये मैं मानती हूँ, उसके लिए सॉरी, बहुत बहुत दिल से सॉरी, पर हाँ जरूर फिर मैं देखती हूँ कहाँ निकल गए छुपाने इसको, खाने को बनाना है रात को, खाना की अब खाने की तैयारी हो गई है सारी, तो ऐसा ऐसा है ना, और मैं मतलब देखती भी हूँ मैसेजेस आपके, फिर उसके बाद उस पर हार्ट भी करती हूँ और पढ़ के आपके साथ डिस्कस भी करती हूँ, जब भी कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो डिस्कस करने वाली होती है मैं पक्का डिस्कस करती हूँ, और आपके अच्छे कमेंट्स तो जो जिन जो जो लोग करते हैं उनके तो मेरे को नाम भी याद हैं, कभी भी लाइफ में मिलेंगे तो भाई मैं पहचान लूँगी, बस नाम बता देना, शक्ल क्योंकि नहीं देखी होगी तो बस उस टाइम पे मुलाकात हो जाएगी। और जी क्या हो गया अब, हाय वंदना कैसे हो, मैं आपका सब्सक्राइबर, पहचाना आपने, ये हाँ मेरा नंबर था, ये मेरा मोबाइल नंबर था, ये नाम है, मोबाइल नंबर तो नहीं आता ना इधर, इधर कमेंट आ जाते हैं नाम लिखे होते हैं, अच्छा बहुत सारे ऐसे नाम है जो मेरे को याद है, उंगलियों पे ऐसे ऐसे याद है मेरे को, ऐसा नहीं है। अरे यार तेरे क्या कहने हैं यार, तो मैंने काट दिया था, मैं पैदा लेट हुई है तो वंदना ग्रेट है, पर जब मेरी थोड़ी लेट है, मतलब कि पैदा टाइम पे नहीं हुई है, टाइम पे हुई थी ना, अब आप आप 7-8 साल पहले ही एडवांस पैदा हो गए थे ना, मैं क्या नहीं, करती नहीं, नहीं, ऐसा है, पिछले जन्म में ऐसा हुआ होगा ना, जब हम पति पत्नी रहे होंगे तो आप जल्दी चल बसे होंगे ना, इसलिए फिर आप मेरा वेट कर रहे थे कि नहीं वंदना के अलावा और दूसरी पत्नी नहीं चाहिए मेरे को, तो फिर आप जल्दी पैदा हो गए ना, फिर और फिर वेट करने लग गए मेरा, है ना। अच्छा मैडम, अच्छा काफी काफी टाइम वेट किया है वैसे आपने, हाँ ये बात तो है, इन्होंने मेरा ना काफी टाइम वेट किया है शादी के लिए, इनकी मम्मा इनको बोलते रहे, हमारे इधर मतलब 21 साल के जब बोले लड़के होते हैं ना तो लग जाते हैं मतलब उनके उनको बोलने की भाई शादी कर लो शादी कर लो, कहाँ जा रहे हो आपके बारे में चर्चा कर रहे थे, फिर 21 में तो चलो कौन ही करता है, कर भी लेते हैं, करने वाले लव मैरिज वाले बहुत हैं, और यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि वो अपने बेटे के साथ खड़े हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि भाई ये दोनों भाई भाई हैं कि बाप और बेटे, बोलने लगी रे आईडिया रे घर आ चला हुआ घुलने थोड़ी ना लग गिरे हो, यो लग गिरे चल रही थे घर खाचा, चलो ठीक है जी।